हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज नाइन्थ क्लास में ये लेक्चर 87 है। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एक्सरसाइज 6.2 के बेसिक्स एंड एग्जांपल्स को। तो आपके पास सबसे पहले है डेफिनेशन ट्रांसवर्सल। तीरिक रेखा क्या होती है? अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह तीरिक रेखा कहलाती है। यहाँ पे एक लाइन M और एक लाइन N को ये लाइन L काट रही है, दो बिंदुओं पे काट रही है, तो ये L क्या हो गया बेटा? ट्रांसवर्सल होगी, तीरिक रेखा होगी। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, 1, 2, 7 और 8, इनको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल बाय कोण, ये बाहर की तरफ है। एंड एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, इन्हें हम क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, अंतः कोण होते हैं। अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, संगत कोण है। संगत कोण कौन से होते हैं? एंगल 1 और एंगल 5, इन कोणों को हम संगत कोण कहते हैं। एंगल 2 इस तरफ है और एंगल 6 भी इस तरफ है, ये भी संगत कोण है। कोण 4 और कोण 8, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, संगत कोण है। और एंगल 3 और एंगल 7, ये भी क्या है आपके पास? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, संगत कोण है। नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर, एक का अंतर बट इंटीरियर ही हो, जैसे कि 4 और 6, एक का डिफरेंस है, एक लाइन के इस तरफ है, एक लाइन के इस तरफ है, बट इंटीरियर ही है ये। इसी तरह से 3 और 5 भी, ये भी इंटीरियर अंदर वाले एंगल हैं हमारे और अल्टरनेट हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। जब बात हो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की तो बेटा 1 और 7, एक लाइन के इस तरफ है, एक लाइन के इस तरफ है और दोनों ही बाहर की तरफ है। एंगल 2 और एंगल 8, इस पेयर को भी हम क्या कहेंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एकांतर बाह्य कोण है ये। इसी में नेक्स्ट और है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल तीरिक रेखा के एक तरफ बने कोण, इस तीरिक रेखा के एक तरफ कौन से कोण है? 4 और 5। और इस तीरिक रेखा के एक तरफ, इस तरफ कौन से कोण है? 3 और 6। ठीक है बेटा, इस तरह से ये थे कुछ एक कोण की संगत कोण किनको बोलते हैं, एकांतर अंतः कोण का क्या मतलब है, एकांतर बाह्य कोण का क्या मतलब है, ट्रांसवर्सल तीरिक रेखा के एक तरफ बने कोणों का क्या मतलब है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस। एक रिमार्क है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल्स आर आल्सो रेफर्ड टू एज कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स और अलाइड एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स। जब हम बात कर रहे थे कि तीरिक रेखा के एक तरफ जो ये कोण बन रहे हैं इनको क्या कहते हैं, इनको क्रमागत अंतः कोण भी कहते हैं, संबंधित कोण भी हैं और सह अंतः कोण भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सियोम 6.3, अभिग्रहित 6.3। क्या कहती है ये? If a transversal intersects two parallel line, then each pair of corresponding angles is equal. यदि दो समांतर रेखाओं को, parallel lines को कोई transversal तीरिक रेखा काटती है तो each pair of corresponding angle, संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। नेक्स्ट है इसी का ही कन्वर्स। अगर ऐसा है कि दो रेखाओं को कोई लाइन काट रही है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं तो ये दो रेखाएं हमारे पास क्या होंगी बेटा? पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। ये वाइस वर्सा ट्रू होते हैं। अगर लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल काट रही है तो संगत कोण बराबर होते हैं। अगर दो लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल काट रही है, संगत कोण बराबर हैं, तो रेखाएं हमारे पास पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका करेंगे हम प्रूफ। थ्योरम 6.2, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। यदि एक तीरिक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ये हमें दिखाना है। प्रूफ, हम इस प्रमेय को विलोम से प्रमाणित करेंगे। हम क्या मानेंगे कि ये जो एंगल्स है ना, अल्टरनेट एंगल, ये बराबर हैं और दिखा देंगे कि लाइन पैरेलल है, समांतर है। तो देखिए जरा यहाँ पे एंगल बी क्यू आर, बी क्यू आर ये वाला कोण और पी ओ ए ये वाला कोण बराबर है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल।
हमने पढ़ा हुआ है, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो ये समकोण बराबर होते हैं। तो ये दो लाइन कटी करी है तो ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया। बट पर हम मान के भी क्या चल रहे थे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, कि ये वाला कोण तो इसके बराबर है। अब ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, मतलब ये दो कोण आपस में बराबर हो गए। जब ये दो कोण आपस में बराबर हो गए तो ये तो हम ध्यान से देखें कॉरेस्पोंडिंग एंगल है, संगत कोण है। और ये एक्सियोम, ये अभिग्रहित हम कर चुके कि अगर दो रेखाओं को कोई ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा काटती है और उनके संगत कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती है बेटा, पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। और हमें यही प्रूव करना था। ठीक है बेटा, अभी कुछ एक और थ्योरम की स्टेटमेंट्स हैं, उनके प्रूफ नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखनी है। देखिए जरा थ्योरम 6.3, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। ये अभी अभी हमने मान के प्रूफ किया था, वही अगर दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है और ये एकांतर अंतःकोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हैं तो लाइंस क्या हैं आपके पास, पैरेलल हैं। थ्योरम 6.4, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो इस तिर्यक रेखा के जो एक तरफ कोण बनते हैं ना, इनका जोड़ क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये संपूरक कोण है, इनका जोड़ 180 होता है, इन दोनों कोणों का भी और इन दोनों कोणों का भी। थ्योरम 6.5 की स्टेटमेंट देखिए बेटा। थ्योरम 6.5, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द टू लाइन आर पैरेलल। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोणों का युग्म संपूरक है, मतलब उनका जोड़ 180 है, तो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ये प्रमेय 6.4 का विलोम है। दोबारा से सारे देख लीजिए, रिजल्ट क्या है, अगर दो रेखाएं समांतर हैं और एक ट्रांसवर्सल एक तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है तो संगत कोण सारे बराबर होते हैं, ये वाला इसके, इधर वाला इसके, इधर वाला इसके और इधर वाला इसके बराबर होते हैं, और फिर इसका अपोजिट भी। और अगर ये संगत कोण बराबर हैं तो ये दो रेखाएं क्या होंगी बेटा, समांतर होंगी। ऐसे ही अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। अगर इस तरह से रेखाएं हैं कि एकांतर कोण बराबर हैं तो ये लाइंस भी पैरेलल हैं, ये भी अपोजिट होता है। नेक्स्ट, अगर दो समांतर रेखाओं को एक ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा काट रही है तो एक तरफ बने कोणों का जोड़ 180 होता है, और फिर इसका अपोजिट, अगर कुछ रेखाएं इस तरह से हैं कि तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोणों का जोड़ 180 है तो ये जो लाइंस हैं ये क्या होती हैं आपके पास बेटा, समांतर हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम करते हैं प्रूफ थ्योरम 6.6 का, देखिए जरा। थ्योरम 6.6, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो आपस में भी समांतर होती हैं। अब यहाँ पे हमें क्या दे दिया, जो M लाइन है वो L के पैरेलल है, समांतर है, और N लाइन भी L के पैरेलल है, और दिखाना क्या है ये आपस में समांतर है। फर्स्ट लेके चलें, अगर M और L पैरेलल हैं तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सेकंड लेके चलें, अगर N और L समांतर हैं तो 1 और 3 भी बराबर हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। अब एक कोण 2 के बराबर है और एक ही 3 के बराबर है, मतलब 2 और 3 भी आपस में बराबर हैं। बट ये कैसे एंगल हैं, ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। और अगर दो लाइन को कोई ऐसी लाइन काट रही है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए तो रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, M पैरेलल होगी N के, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है बेटा, ये तो था सारा बेसिक, अब डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स को। एग्जांपल 4 देखिए बेटा, ये फिगर आपको दे रखी है, P क्यू पैरेलल है RS के, ये लाइन इसके समांतर है, MX क्यू ये वाला कोण 135 डिग्री का है, MYR ये वाला कोण 40 डिग्री का है, फाइंड XMY ये पूरा एंगल निकालना है। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि पूरा एंगल एक साथ तो किसी तरह से नहीं निकल सकता,
तो हमने क्या किया, M से एक समांतर लाइन खींच दी PQ की, AB। हमने रचना की है कि M से होते हुए AB लाइन हमने PQ के समांतर खींच दी। अब देखिए क्या करेंगे, हमें पता है अगर दो लाइन समांतर हैं और एक ट्रांसवर्सल उन्हें काट रही है तो इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा बेटा, 180 होगा। तो ये तो कोण 135 डिग्री का और ये इतना इतना कोण XMB, इन दोनों का जोड़ कितना होगा बेटा, 180 होगा। इसकी वैल्यू हमने रख दी, 135 प्लस का था, दूसरी साइड गया माइनस का, तो ये सिर्फ इतना इतना कोण हमारे पास 45 डिग्री का आ गया। दूसरी चीज, अब AB हमारे पास PQ के समांतर आई है रचना से, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि PQ RS के समांतर है, तो यहां से AB और RS भी तो समांतर आ गई ना। तो ये लाइन ट्रांसवर्सल है, अगर ये कोण 40 डिग्री का है तो इतना कोण 40 डिग्री का हो जाएगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। अब हम इस एंगल को बता सकते हैं, 45 डिग्री और 40 डिग्री अगर दोनों को जोड़ दें तो ये कोण हमारे पास आएगा बेटा 95 डिग्री का। ठीक है, डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल को। एग्जांपल फिफ्थ देखिए, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट द बायसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट द लाइंस आर पैरेलल। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हों, तो सिद्ध कीजिए कि वो दोनों रेखाएं भी क्या होंगी, परस्पर समांतर होंगी। कोई भी दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल उन्हें कट कर रही है, तो ये जो कॉरस्पोंडिंग एंगल संगत कोण बने ना, इनके समद्विभाजक ये समांतर हैं। आपने ये बताना है कि ये लाइंस भी पैरेलल हैं। देखिए जरा इसको हम कैसे दिखाते हैं। सॉल्यूशन देखिए बेटा, अ ट्रांसवर्सल AD इंटरसेक्ट टू लाइंस PQ और RS को अगर कोई ट्रांसवर्सल B और D पे कट कर रही है, और जो रे है ये BE, ये इस कोण के समद्विभाजक है, और CG जो है ये इस कोण के समद्विभाजक है, और हमें क्या दे रखा है, BE और CG आपस में क्या है, पैरेलल है, समांतर है। और दिखाना क्या है, हमने दिखाना है लाइन PQ और RS ये समांतर है। अब ध्यान से देखें, अगर इस कोण की हम बात करें, ABE ये वाला कोण पूरे कोण का आधा है, और BCG ये वाला कोण इस पूरे कोण का आधा है। ये वाली लाइंस क्या है आपके पास, पैरेलल है, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। अगर लाइन पैरेलल है तो ये दोनों कोण तो बराबर हो गए, कॉरस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण। जब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो ये वाले कोण बराबर हो गए, हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू किसके बराबर आ गया बेटा, हाफ ऑफ एंगल बी सी एस के, हाफ से हाफ कट गया, ए बी क्यू ये पूरा कोण इसके बराबर आ गया, और ये तो कैसे हैं हमारे, संगत कोण है, और अगर संगत कोण बराबर हैं तो रेखाएं क्या होती हैं बेटा, समांतर हो जाती हैं। दोबारा देख लीजिए, हमें क्या कह रखा था कि ये जो रेखाएं हैं ना, ये इस पूरे कोण का हाफ हाफ है और समांतर भी हैं। अब हमने क्या लिखा कि एंगल ए बी ई इस पूरे कोण का हाफ है, एंगल बी सी जी इस पूरे कोण का हाफ है, और रेखाएं अगर समांतर हैं तो ये दोनों कोण बराबर हैं, कॉरस्पोंडिंग एंगल हो गए। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई तो दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड भी बराबर आ गई। यहां से हमारे पास आ गया ये दोनों एंगल बराबर हैं, और अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये तो कॉरस्पोंडिंग एंगल है, संगत कोण है, और रेखाएं पी क्यू और आर एस क्या आ गई बेटा, समांतर आ गई, पैरेलल आ गई, यही हमें दिखाना था। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सिक्स देखिए बेटा। ये आपको फिगर दे रखी है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये लाइन इसके समांतर है, और सी डी पैरेलल है ई एफ के, ये लाइन इसके समांतर है। ई ए परपेंडिकुलर ए बी, ई ए ए बी पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये कोण 90 डिग्री का है। बी ई एफ, बी ई एफ ये कोण 55 डिग्री का है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स की वाई की और जेड की वैल्यू निकालिए। अब देखिए बेटा, सी डी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है, और ये होगी ट्रांसवर्सल,
तो एक साइड बने कोणों का जोड़ कितना होगा? 180 होगा। वाई और 55 बन रहे हैं एक साइड, 55 प्लस का था, दूसरी साइड गया माइनस का, तो वाई की वैल्यू आ गई 125। और ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, तो जो वाई की वैल्यू होगी वही एक्स की वैल्यू होगी, ये तो कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए, संगत कोण हो गए। अब हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली है, वाई की वैल्यू निकाल ली है, जेड की ओर रह गई है। अब ध्यान से हम देखें, ए भी इसके समांतर और ये इसके समांतर, तो ये आपस में भी तो पैरेलल हो गए ना, और ये ट्रांसवर्सल उन्हें कट कर रही है, तो इन कोणों का जोड़ कितना होगा बेटा? 180 नहीं हो जाएगा? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तीरक रेखा के एक तरफ बने कोण, ये दो रेखाएं इस तरफ हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों कोणों का जोड़ 180 हो गया। 90 और ये पूरा कोण कितने का है? जेड प्लस 55 का है। 90 और 55 कितने हो गए बेटा? 145। 145 को उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, कितने डिग्री का आ गया? 35 डिग्री का। ठीक है बेटा, यही हमें वैल्यू निकालनी थी। दोबारा देख लीजिए बेटा, हमें लाइन दे रखी थी पैरेलल है सीडी और ईएफ, और ये ट्रांसवर्सल, ये तीरक रेखा इनको काट रही है, इन दोनों लाइन को, तो 55 और वाई इनका जोड़ कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तीरक रेखा के एक तरफ बने कोणों का जोड़ 180 होता है। यहां से निकालने हमने वाई की वैल्यू। अब ये लाइन भी समांतर दे रखी थी, ये ट्रांसवर्सल है, तो एक्स और वाई तो बराबर हो गए ना, कोरस्पोंडिंग एंगल है, संगत कोण है। अब वाई 125 का, तो एक्स भी 125 का, एक्स की भी वैल्यू निकल गई, वाई की भी वैल्यू निकल गई। अब ए बी लाइन हमें सी डी के पैरेलल दे रखी है, सी डी ई एफ के पैरेलल दे रखी है, तो ए बी और ई एफ भी तो पैरेलल हो गए, और ये होगी ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों कोणों का जोड़ भी कितना होगा बेटा? 180 होगा। यहाँ पे बन रहा है 90 का, और ये पूरा कोण है, यहां से सिंप्लीफाई करके हमने निकाल दी जेड की वैल्यू। तो बेटा इसी के साथ आपके एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।